हाँ साढ़े रूल है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरर जहाँ पर हैं बैठे हैं, जहाँ पर अपना स्टॉल लगाकर, और इनके पास प्रोडक्ट जो हैं, ये देखिए बॉसल है इनके पास, ये हम जब स्कूटर वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पर स्क्रू नहीं जब कसा जाता है तो ऐसी ऐसी ज़रूरत पड़ती है बॉसल की, या स्कूटर में भी भैया यूज होते हैं, मैंने कई बार देखा है वो हैं। और कहाँ कहाँ यूज होता है ये आपका प्रोडक्ट? ये बेसिकली जो आपको पार्ट कहीं पे फीड करना है, किसी कंपोनेंट फीड करना है असेंबली लाइन पे, उसकी ओरिएंटेशन सेट करता है। अभी हम इसको आपको चला के दिखाते हैं, एक मिनट ऑन करोगे उधर से, तो जैसे अभी ये हमें सारे पीसेस इस ओरिएंटेशन में चाहिए, तो घूम के आएगा पीस और ओरिएंट इसी डायरेक्शन में पीसेस जाएंगे सारे के सारे। तो इसमें कोई छोटा स्क्रू है, पेंच है, जहाँ पर आपको वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, मास प्रोडक्शन करनी है और फिटिंग के लिए अभी हमने बना के दी है मशीन, जिसमें के वहाँ पे ऑपरेटर पहले मैनुअल काम था उसको ऑटोमाइज किया है, तो मैनुअल लेबर के एफर्ट्स बचाने के लिए आप ऑटोमाइज कर सकते हो, इसके थ्रू फीडिंग सिस्टम बना सकते हैं हम। ये मशीन हमने बना के दी है, मोहाली में इंडस्ट्री में चल रही है, जहाँ पे ये आगे जाके इसका गैप सेटिंग होती है क्लिप की, प्रेस के नीचे फीडिंग होती है, प्रेस में फीडिंग करने के लिए ऑटोमेटिकली बॉल फीडर से आगे आप पीस फीड हो जाता है उसमें। ये देखे थ्रेडिंग यहाँ चेक होती है इनकी, जिसकी थ्रेडिंग सही है वही आएगा बाहर, ठीक है। मुझे थ्रेडिंग भी हो रही है, थ्रेडिंग का मतलब चूड़ी बोलते हैं उसको, हाँ ये चूड़ी बोलते हैं थ्रेडिंग को, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, या अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान के लोग हो गए हैं, अब अंग्रेजी बोलने लगे चूड़ी है बिच पई हुई है तो पंजाबी कह देने हैं। और देखिए जहाँ पर हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर वो भी दिखा दीजिए क्या है, जो वो क्या है ये भी देख लो, जहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। ये 3D प्रिंटर, वो 3D स्कैनर है, वहाँ पर हम कंपोनेंट को स्कैन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जैसे यहाँ बना हुआ है हमारे पास अभी कंपोनेंट, वैसे ड्राइंग बन जाती है, फिर उसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मोल्ड बनाते हैं, मोल्ड बनाने के बाद हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे। तो आप यहाँ देख सकते हो इतने भी कंपोनेंट पड़े हैं, 3D प्रिंटिंग कंपोनेंट भी पड़े हैं हमारे पास, मोल्डिंग कंपोनेंट भी पड़े हैं, राइट सर, मोल्डिंग वाले सारे। हाँ हाँ मोल्डिंग मोल्डिंग ये देखिए 3D प्रिंटिंग कंपोनेंट है ये सारे। ये कहाँ से कौन से मशीन में बने हैं? ये 3D प्रिंटर में बने हुए हैं सर। अच्छा हाँ, ये देखो 3D प्रिंटिंग कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट 3D प्रिंटिंग कंपोनेंट है, इसी वाले प्रिंटर में बना हुआ है, ठीक है। पहले हमने इसको स्कैन किया, मॉडिफाई किया, उसके बाद हमने इसको मैन्युफैक्चर किया 3D प्रिंटिंग में। अब इसके बाद इसका मोल्ड बनेगा, मोल्ड बन के इसको हम प्लास्टिक पार्ट बना के इसकी मार्केट में इसको लॉन्च कर देंगे। पहले जैसे डाई बोलते हैं, डाई बने के बाद में, डाई बनाने से पहले हम इसको प्रिंटिंग करते हैं कि सैंपल सही है कि नहीं है, फिर हम डाई बनाने पर जाते हैं। एक्यूरेसी यानी कि पहले जो जहाँ पर ये सामने देखिए लगा हुआ है ना, इसी में ये ऑटोमेटिक यानी कि साइज वगैरह दे दिया उन्होंने, सब कुछ दे दिया, तो जहाँ पर तैयार होने के बाद फिर डाई बनता है, डाई के बाद फिर जो आपके प्लास्टिक की ये चीज़ें बनती हैं जितने भी हैं, वो देखिए कृष्णा भी ये देखिए बना दिया गया प्लास्टिक का, तो देखिए इधर दिखाया तूने कृष्णा दिखा दिया, ये देखिए सब चीज़ें जो हैं, ये सब यानी कि आपको अब कंप्यूटर है, ये सारा कुछ मिलेगा, कंप्यूटर इसको तैयार कर देगा पहले ऑटोमेटिक, उसके बाद आप जो भी शेप देना चाहें वो डाई वगैरह में बन जाती है। डाई बनेंगे प्रोडक्शन निकलेगा। कहाँ पर आपका ये? अम्बाला में है जी, मॉडर्न मैन्युफैक्चर अम्बाला। तो ये सारा वहीं पर आप तैयार करते हैं? वहीं पर तैयार करते हैं। ये सारी प्रोडक्शन आप ही किया जितने भी हैं? हाँ बिल्कुल सही सर, जो हमारा चल रहा है हमारे पास अभी स्कैनिंग हो रही है हमारे, ये यहाँ ये हमारा मोहाली में यूनिट है, अलग से सेपरेट यूनिट है, मोहाली कस्टमाइज मशीन के लिए है हमारा। देखिए ये सारा इनका अपना पंजाब में ही यानी कि हरियाणा पंजाब में इनका मैन्युफैक्चरिंग है, ये अगर मशीन लेना चाहें तो आप देंगे किसी को? बिल्कुल सही सर, क्यों नहीं देंगे मशीन हम। मशीन जो है आप अगर लेना चाहें तो ऐसी है, या और भी इनके पास प्रोडक्ट होंगे तो इनका नंबर नीचे दिया गया, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि ये हमको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं, तो ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको बता देंगे। धन्यवाद जी।